गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अलिंगम आरेख। अलिंगम आरेख की सहायता से हमें यह पता चलेगा कि धातु कर्म के अंदर मेटलर्जी में हमें किस अपचायक का उपयोग करना चाहिए और किस तापमान पर वो क्रिया होगी। इस बात को समझाने के लिए यह आरेख बहुत उपयोगी है। किसी भी धातु की क्रिया जब ऑक्सीजन से करवाई जाती है तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। और आप जानते हो कि किसी भी क्रिया के लिए डेल जी नॉट की वैल्यू जब तक नेगेटिव होगी तब तक क्रिया होगी। तो अलिंगम ने क्या किया, अनेक तत्वों की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवाई और ऑक्सीजन के साथ करवाकर धातु ऑक्साइड बनाए और उसके लिए अलग अलग तापमानों पर डेल जी के मान ज्ञात किए। उसने क्या पाया कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होती है वैसे वैसे इस क्रिया के लिए डेल जी का मान माइनस से प्लस की ओर जाने लगता है और फिर एक ऐसा तापमान प्राप्त होता है जिस तापमान पर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जिस तापमान पर डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। ऐसी कंडीशन में धातु ऑक्सीजन से क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाने के बजाय क्रिया उल्टी चलने लगती है, यानी कि धातु ऑक्साइड जो है वो धातु में और ऑक्सीजन में टूटने लग जाता है। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि जब दो क्रियाएं एक साथ होती हैं तो उन दोनों क्रियाओं के लिए जो डेल जी के मान होते हैं उन डेल जी के मानों के योगफल की वैल्यू अगर नेगेटिव हो तो दो क्रियाएं एक साथ संपन्न होंगी। और इन्हीं दो बातों के आधार पर अलिंगम आरेख की सहायता से उचित अपचायक का चयन किया जा सकता है। आप यहां देखिए बेटे, ये अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में ऑक्सीजन की क्रिया करवा के हमने ग्राफ प्राप्त किया जिसके लिए डेल जी नोट की वैल्यू हमारे पास में है। आपके सिलेबस में आयरन का धातु निष्कर्षण है और आयरन के धातु निष्कर्षण के लिए हेमेटाइट अयस्क जो है उस अयस्क की ऑक्सीजन कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन की क्रियाएं आपके सिलेबस में दी हुई है। जैसे इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखो तो यहां इस बिंदु पर विचार करो, देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो -400 और -500 के बीच की वैल्यू है, इस वैल्यू से पहले की अगर मैं बात करूं, यहां डेल जी नॉट की वैल्यू आयरन के लिए आप ये मान लो कि लगभग 450-450 के आसपास है और कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण, इसके लिए वैल्यू -500 के आसपास है, ठीक है ना। तो अगर कब है ये वैल्यू इसके आसपास, जब डेल जी नोट की ये वैल्यू कब है, जब तापमान हो 1073 केल्विन, इससे कम तापमान पर, जहां पर दो ग्राफ की दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ये काटती हैं जिस जगह जो बिंदु प्राप्त होता है इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु वो बिंदु है जिस पर इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए डेल जी नोट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए टोटल डेल जी नोट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी कि अगर 1073 केल्विन तापमान हो, 1073 केल्विन तापमान हो और इस तापमान पर मैं ये कहूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और आयरन जो है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है FeO, तो इन दोनों क्रियाओं के लिए डेल जी नॉट की जो भी वैल्यू होगी, यहां पर वैल्यू एक है और यहां पर वैल्यू बी है मान लीजिए, तो डेल जी नॉट की जो भी वैल्यू होगी वो बराबर होंगी और जब बराबर होंगी तो डेल जी नॉट जो होगा वो आ जाएगा जीरो। डेल जी नॉट जो होगा वो क्या आ जाएगा, जीरो। और जब डेल जी नॉट जीरो आ जाता है तो आप जानते हो प्रक्रम साम्य पर होता है। तो बेटे इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान से देखो कि मुझे ये पता करना है कि 1073 केल्विन तापमान से पहले कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आयरन ऑक्साइड का अपचयन कर सकता है क्या, ये पता लगाना है। तो अलिंगम आरेख की सहायता से मैंने ये ग्राफ उठाया, मैंने ये देखा कि 1073 केल्विन तापमान पर तो इनका प्रतिच्छेदन बिंदु आ जाता है यानी डेल जी की वैल्यू जीरो आ जाती है। तो इससे पहले के तापमान पर हम देख लेते हैं कि क्या होती है वैल्यू। तो आपने दोनों क्रियाएं लिखी, पहली क्रिया के लिए अगर मैं ये कहूं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 1073 केल्विन से कम तापमान पर, तो ये ग्राफ आपको क्या बताता है
ये ग्राफ आपको बताता है कि यहां डेल जी नॉट की जो वैल्यू है वो आप मान लीजिए -500, ठीक है ना, -500 से -600 के बीच में है। मैं मेरी सुविधा के लिए मान लेता हूं -500, ठीक है। और आयरन की ऑक्सीजन से क्रिया द्वारा आयरन ऑक्साइड का निर्माण, इस क्रिया के लिए डेल जी नॉट की वैल्यू मैं मान लेता हूं -410। डेल जी नॉट इज इक्वल्स टू -410, ये वैल्यू है बेटे, ये वैल्यू है ना। अब देखिए आप इस क्रिया को ध्यान से समझिए, इस क्रिया के अंदर ये वैल्यू तो है माइनस की 500 और ये वैल्यू है माइनस की 410। मैं ऊपर वाली क्रिया में से नीचे वाली क्रिया को घटा देता हूं, जब मैं घटा देता हूं तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये डेल जी नॉट की वैल्यू हो गई प्लस, ठीक है। ऑक्सीजन का एक अणु प्लस का और एक अणु माइनस का, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। अब रिएक्शन क्या बचती है उसको आप, उस पर आप विचार कीजिए, उस पर आप विचार करें तो 2Fe ये तो माइनस का है और CO प्लस का है, 2CO माइनस 2Fe ये तो इस तरफ बचा, इधर क्या आ गया 2CO2 माइनस 2FeO, और इस क्रिया के लिए डेल जी नोट का मान जो है वो आ गया -90। आप देख पा रहे हैं मैं -500 में से +410 कम कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा -90। अब इस रिएक्शन को मैं क्या करूं, अपनी सुविधा के लिए चेंज करके लिख देता हूं, ये माइनस वाली वैल्यू इधर ले आओ और ये माइनस वाली वैल्यू इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख सकता हूं कि प्लस का आ गया 2FeO इधर आया तब, प्लस 2CO ये इधर चला गया तो 2Fe प्लस 2CO2, और इसके लिए डेल जी नॉट की वैल्यू क्या है -90 है। बेटे ये क्रिया हमें क्या कहती है, ये क्रिया हमें ये बताती है कि अगर आयरन ऑक्साइड की क्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ करवाई जाए, तापमान 1073 केल्विन से कम हो, तो इन दोनों की क्रिया से Fe बनना चाहिए और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बननी चाहिए, और इसके लिए डेल जी नॉट की वैल्यू जो है वो कैसी रहेगी, ऋणात्मक रहेगी। यानी कि 1073 केल्विन से कम तापमान पर अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड की क्रिया करवाऊं तो मुझे आयरन प्राप्त हो जाएगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, यानी कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन कर देगा, अपचयन कर देगा, और हमें लोहा प्राप्त हो जाएगा, आयरन हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा मेरे को आयरन ऑक्साइड से आयरन प्राप्त करना हो तो मेरे को तापमान कितना रखना पड़ेगा, 1073 केल्विन, तापमान से कम तापमान। और बेटे इस तापमान पर, इससे कम तापमान पर कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा आयरन ऑक्साइड का अपचयन हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों अभिक्रियाओं के लिए डेल जी नोट की टोटल वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए बेटे टेम्परेचर हो 1073 केल्विन से ज्यादा, टेम्परेचर हो 1073 केल्विन से ज्यादा तो क्या होगा, आप फोकस करके समझेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी, समझ में नहीं आई है मैं एक बार फिर थोड़ा स्मूथली रिपीट कर देता हूं, उसके बाद में मैं इससे आगे चलूंगा, क्योंकि मैं आज घर पे हूं और मैं लेट चलूंगा यहां से, जब भी चलूंगा कल आपको क्लास में मिलूंगा, और आज ये क्लास स्पेशली आपके लिए इसलिए बनाई है क्योंकि जिस टाइम पे क्लास होती है इवनिंग क्लास, उस टाइम पे मैं सफर में रहूंगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको देख के अच्छे से समझ पाएंगे। तो बेटे अगर मैं इसको फिर से रिपीट करूं, तो देखिए मैंने ये जो बात आपको बताई इस बात का मतलब क्या है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात है, टफ कुछ नहीं है, बहुत इजी है, ध्यान से समझोगे तो आपको सारी बातें स्मूथली समझ में आ जाएंगी। मैंने यहां क्या बताया कि वह बिंदु जिस पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है, वहां होने वाली दोनों क्रियाओं के लिए डेल जी नॉट की टोटल वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब मैंने यह कहा कि इस तापमान को देख लो, 1073 केल्विन तापमान है, इससे कम तापमान पर आप देखो तो इससे कम तापमान पर दो क्रियाएं हो रही है, एक तो कार्ब जिसके द्वारा आप चयन करना हो, एक छोटी सी बात बता देता हूं आपको मैं, जिसके द्वारा आप चयन करना हो उस क्रिया को आप पहले लिख लो, तो
तो अपचायक मेरे को लेना है कार्बन मोनोऑक्साइड, और चेक करना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन कर देगा क्या 1073 केल्विन से कम तापमान पर। तो मैंने ये क्रिया ले ली, 2CO प्लस O2 प्रोडक्ट बन गया 2CO2, और 1073 केल्विन से कम तापमान पर मैंने इसके लिए डेल जी नोट की वैल्यू भी नोट कर ली। तो डेल जी नोट की वैल्यू इससे कम तापमान पर आप देख पा रहे हो कि लगभग -500 है। ऐसे ही आयरन से ऑक्सीजन की क्रिया, Fe रिएक्ट विद ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड कन्वर्ट इन आयरन ऑक्साइड FeO, इस रिएक्शन के लिए इस टेम्परेचर से पहले, इसके बाद तो बढ़ती जा रही है ना, हम लगातार प्लस की तरफ जा रहे हैं, इस टेम्परेचर से पहले वैल्यू कितनी है -410 केल्विन के आसपास है। तो डेल जी नॉट हो गया -410 केल्विन। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली क्रिया में से नीचे वाली क्रिया को घटा देंगे, तो नीचे वाली क्रिया के सारे साइन बदल जाएंगे, जो माइनस प्लस है वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां हो गया 2CO -2FE, और प्रोडक्ट क्या है 2CO2 -2FeO, और डेल जी नॉट की वैल्यू है -90। अब मैंने ये कहा कि रिएक्शन को हम अरेंज करके लिख लेता कि सारे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन हो, तो इधर वाले नेगेटिव को इधर ले जाओ, इधर वाले नेगेटिव को इधर ले आओ, तो मैं लिख सकता हूं 2FeO रिएक्ट विद 2CO, और हमें प्रोडक्ट क्या मिला 2Fe प्लस 2CO2, और डेल जी नॉट की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए 90 ही है, माइनस का नेगेटिव, डेल जी नॉट की वैल्यू क्या है -90। तो बेटे इससे प्रूव होता है कि अगर मैं 1073 केल्विन से कम टेम्परेचर पर रिएक्शन करवाऊं तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, ये रिएक्शन होगी फाइनल रिएक्शन और ये रिएक्शन हो जाएगी, यानी कि आयरन ऑक्साइड का अपचयन कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बेटा इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर क्रिया करवानी हो, इस टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पर क्रिया करवानी हो, तो फिर तो आप देखो या फिर मैं आपको एक बात और बताता हूं कि इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर, यानी कि अगली बात सुनना मेरी, सेकंड बात कि कार्बन मोनोऑक्साइड से अपचयन हुआ। अब मैंने प्रगलन में आपको परसों ही पढ़ाया था, प्रगलन में जब अपचायक लिया था तो लिया था कोक, और वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि इस क्रिया के अंदर कोक और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों अपचायक का काम करते हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या 1073 केल्विन से कम तापमान पर केवल कार्बन मोनोऑक्साइड अपचयन करता है या कोक भी कर देगा। तो पहले हम ये देखते हैं कि इससे कम तापमान पर कोक कर देगा क्या। तो इससे कम तापमान पर कोक वाली क्रिया हमें इसमें ढूंढनी पड़ेगी। ये देखो, कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। ये बिंदु जो मेरे यहां से चला है, ये ग्राफ थोड़ा सा ये इसके बीच में से आएगा, ये इसी बिंदु से कट के निकलता है, ठीक है ना। तो अगर मैं चाहूं इस ग्राफ को सही अरेंज करना, तो मुझे ये कर्व कैसे प्लॉट करना चाहिए था, मुझे ये कर्व कुछ इस तरीके से प्लॉट करना चाहिए था, और इस रिएक्शन के लिए यह रिएक्शन क्या हो जाएगी 2C+O2, और प्रोडक्ट हो जाएगा 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। तो बेटे इस बिंदु से पहले आप देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए डेल जी नोट की वैल्यू कितनी है, -240 के आसपास है। तो अगर मैं यहां लिखूं ये वाली रिएक्शन 2C+O2 और प्रोडक्ट हो गया 2CO, और इसके लिए डेल जी नोट की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो वैल्यू कितनी आ रही है -240, और ये रिएक्शन है 2Fe+O2 2FeO, तो इससे कम तापमान पर इसके लिए वैल्यू कितनी आ रही थी आपने देखी, डेल जी नोट की वैल्यू -410। अब अगर मैं ऊपर वाली रिएक्शन में से नीचे वाली रिएक्शन घटा दूं, माइनस ये प्लस, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तो कैंसिल आउट हो गया, यहां प्रोडक्ट क्या बना 2C,
माइनस टू एफ ई, यहां पे बेटे प्रोडक्ट क्या है, टू सी ओ माइनस टू एफ ई ओ, और डेल जी नॉट की वैल्यू माइनस 210 को कम कर दो प्लस 400, माइनस 240 को कम कर दो प्लस 410 में से, तो 200 में से गए तो वो 60, 170 प्लस क्या आ गए, प्लस 170। ठीक है, मैं इस रिएक्शन को अरेंज करके लिखूं, तो रिएक्शन को अरेंज करके लिखूं तो इधर माइनस वाला इधर ले आओ, इधर माइनस वाला उधर ले जाओ, 2FeO प्लस 2C, 2Fe प्लस 2CO, इस रिएक्शन के लिए डेल जी नॉट की वैल्यू है पॉजिटिव। बेटे जब डेल जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्रिया होगी क्या, ये क्रिया नहीं होगी, इससे उल्टी क्रिया होगी। तो मैं कह सकता हूं कि 1073 केल्विन तापमान से कम तापमान पर कोक जो है वो आयरन ऑक्साइड का अपचयन आयरन में नहीं कर सकता, आयरन ऑक्साइड का अपचयन जो है वो आयरन में नहीं कर सकता, इसका मतलब ये क्रिया संभव नहीं है। लेकिन अगर यही काम मैं 1073 केल्विन से ज्यादा तापमान पर करूं, 1073 केल्विन से ज्यादा तापमान पर अगर यही काम करूं तो क्या परिवर्तन आएगा वो देखिए आप। एक हजार तिहत्तर से अधिक ताप पर या ज्यादा ताप पर, अधिक ताप पर, तो 1073 केल्विन से अधिक ताप पर यानी इस बिंदु के बाद कोक जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, इसके लिए देखो डेल जी की वैल्यू, डेल जी की वैल्यू माइनस 200, माइनस 300, माइनस 400, ये बिंदु तो इसके भी नीचे जाया जा रहा है ना, इसके भी नीचे जाया जा रहा है, तो इसके नीचे जाया जा रहा है, तो मान लो अब की बार इसकी वैल्यू मैंने मान ली माइनस 450। ठीक है, नीचे जाता जा रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर 1000 केल्विन हो रहा है, यानी कि हम ज्यादा माइनस की तरफ जा रहे हैं, जबकि इस बिंदु के बाद ये आयरन वाली रिएक्शन, इसके लिए डेल जी की वैल्यू जो है वो प्लस की तरफ जा रही है, प्लस की तरफ जा रही है ना, तो Fe प्लस O2, 2FeO, इसके लिए डेल जी की वैल्यू देखो यहां माइनस की क्या थी 400, फिर माइनस 300, अब इससे ऊपर जा रही है तो देखो ये माइनस के 300 के आसपास हो रही है, ये इससे भी कम हो रही है, तो मैं माइनस 300 मान लेता हूं। ये हुआ, ये कब हुआ, जब टेम्परेचर हुआ 1073 केल्विन तापमान से अधिक या 800 डिग्री सेल्सियस तापमान से अधिक। तो बेटे अगर ये हमें चेक करना है तो मैं नीचे वाली समीकरण को ऊपर वाली समीकरण में से घटा दूं, तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ऐसे कंडीशन में ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तो कैंसिल आउट हो गया, साथ में क्या हुआ 2C माइनस 2FE, प्रोडक्ट क्या बना 2CO माइनस 2FeO, और डेल जी नॉट की वैल्यू क्या आ गई माइनस की 150, माइनस 150। बेटे इस रिएक्शन को अरेंज करके लिख दो, अरेंज करके लिखोगे, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, 2FeO प्लस 2C, 2Fe प्लस 2CO, और इसके लिए डेल जी नॉट की वैल्यू कितनी है माइनस 150। मैं क्या कह सकता हूं ये प्रक्रम होगा कि नहीं होगा, आप कहेंगे कि होगा क्योंकि डेल जी नॉट की वैल्यू नेगेटिव है। तो इस तरीके से हमने यहां पर क्या देखा कि अगर 1073 केल्विन से कम तापमान हो तब तो आयरन ऑक्साइड का अपचयन होगा कार्बन मोनोऑक्साइड से, और अगर 1073 से ज्यादा तापमान हो तो आयरन ऑक्साइड का अपचयन होगा कार्बन द्वारा। तो इस तरीके से प्रगलन में दोनों अपचायक होते हैं, कार्बन भी और कार्बन मोनोऑक्साइड भी, भट्टी का तापमान जब 1073 केल्विन से कम होता है तो आयरन ऑक्साइड का अपचयन कौन करता है, तो आयरन ऑक्साइड का अपचयन करती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और भट्टी का तापमान जब 800 डिग्री सेल्सियस या 1073 केल्विन से ज्यादा हो जाता है तो वहां रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होता है, तो आप कहेंगे सर वहां पे कोक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, अपचयन जो करता है वो कोक करता है। ठीक है, तो बेटे ये हुआ अलिंगम आरेख, और अलिंगम आरेख को समझा चुका हूं मैं आपको विद एग्जाम्पल, इसकी कुछ थ्योरी है, थ्योरी वैसे वैसे कुछ नहीं पूछा जाता, एप्लीकेशन पूछी जाती है, थ्योरी के आप रट्टे मार लोगे
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी आप फिजिकल क्लास में आओगे मैं इसको फिर से डिस्कस करूंगा। आज मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी देखो इसको देखो, देखने से ही अलिंगम आरेख आपको समझ में आ जाएगा। ये डेटाज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल ये एप्लीकेशन याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस आरेख की सहायता से हम वो तापमान पता लगा सकते हैं जिस तापमान से कम या ज्यादा तापमान पर अपचयन संभव है। हम उचित अपचायक का पता लगा सकते हैं कि हमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना है। लेकिन इसमें कुछ कमियां भी है, जैसे एक विशेष कमी यह है कि हमें अपचायक का पता है, हमें टेम्परेचर का पता है, लेकिन हमें रेट ऑफ रिएक्शन का नहीं पता कि कौन से अपचायक के साथ क्रिया तेजी से होगी और कौन से अपचायक के साथ क्रिया धीमी गति से होगी, ठीक है ना। तो ये था आपका अलिंगम आरेख, आज के लिए इतना ही। कल की क्लास में हम मिलेंगे टाइम पे, कल मॉर्निंग में भी हम मिलेंगे और कल इवनिंग क्लास भी हम प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज मैं सफ़र में रहूँगा इसलिए आप इसको इतना पढ़ें और ध्यान से मन लगा के पढ़ें। मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, टेक केयर बेटे।